हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ गोपाल जी की, यानी लड्डू गोपाल की छठी जो है ना, किस प्रकार बनाई जाती है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा सामान देख लीजिए। तो सबसे पहले जो है ना, आपको एक कांसे का कटोरी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। कांसे का बर्तन छठी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैसे उपयोग किया जाता है ये मैं आपको आगे बताऊँगी। छोटी कटोरी है, बड़ी कटोरी है, या कोई और बर्तन है तो उसे भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर जो है ना, एक घी का दीपक चाहिए, कुछ फल चाहिए, फूल चाहिए, और छठी पर आप लड्डू गोपाल के लिए नई पोशाक ज़रूर लेकर आएँ। यहाँ पर मैंने चौकी बिछा ली है। चौकी के ऊपर आपको पीले कलर का वस्त्र बिछाना है, क्योंकि हमारे भगवान विष्णु को पीला कलर अति प्रिय है। तो यहाँ पर मैंने एक कांसे का कटोरा ले लिया है। आप चाहें तो थाली ले सकते हैं, उसमें करवाएंगे आज हम भगवान को स्नान। अगर कांसे का कटोरा नहीं है तो आप यहाँ पर पीतल की थाली का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना, इस कांसे के कटोरे में मैं बना रही हूँ भगवान के लिए स्वास्तिक, और फूलों का यहाँ पर आसन दे दिया है। आप चाहें तो थोड़ी सी तिली का भी आसन यहाँ पर भगवान को दे सकते हैं। इसमें हम अपने लड्डू गोपाल को करेंगे विराजमान। हमारे लड्डू गोपाल केवल 1 साल के हैं, बहुत छोटे हैं, तो उनके लिए कटोरा पर्याप्त होता है। एक जो होता है ना, टब की तरह काम करता है स्नान कराने के लिए। तो बस मैंने शंख ले लिया है। शंख में मैं यहाँ पर जल भर लूँगी। अगर आपके पास शंख नहीं है तो आप तांबे के लोटे में जल भर कर भी उन्हें स्नान करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको शुद्ध जल से भगवान को स्नान करवाना है। 4 बार आप इस तरह से जल चढ़ाएंगे, मतलब पहले भगवान के हाथ धुलाने के लिए, फिर पैर धुलाने के लिए, फिर जल के उन्हें आचमन करवाएंगे, और उसके बाद जो है ना, उन्हें आपको स्नान करवाना है। तो इस तरह से जो है ना, छठी पर भगवान को स्नान करवाया जाता है। सबसे पहले आपको शुद्ध जल से स्नान करवाना है। जब भगवान को आप शुद्ध जल से स्नान करवा दें, उसके बाद जो है आपको गंधोदक स्नान करवाना है। आप सबको पता है गंधोदक स्नान क्या होता है। आप चाहें तो भगवान के शरीर पर, पूरे शरीर पर जो है ना, चंदन का लेप करके भी स्नान करवा सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से कटोरी में चंदन घोर के थोड़ा सा जल मिलाने के बाद जो है ना, इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा गुलाब जल भी डाल सकते हैं, और इस तरह से जो है ना, आपको स्नान करवाना है। मंत्र आप गंधोदक स्नान कराने के बाद हमने भगवान को यहाँ पर शुद्ध जल से स्नान करवाया। इसके बाद जो है ना, इस कटोरे का जल जो है ना, हम किसी दूसरे पात्र में डाल देंगे, क्योंकि आज के दिन यानी छठी के दिन भगवान को कच्चे दूध से जो है ना, उनका अभिषेक किया जाता है। अभिषेक का दूध जो है ना, पूरा आपका ख़राब भी नहीं होगा, इसीलिए जो है ना, इस जल को आप किसी दूसरे पात्र में डाल दें। इस जल को जो है ना, बाद में आप तुलसी के पेड़ में भी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर फिर से जो है ना, लड्डू गोपाल को इस कटोरे में विराजमान कर लिया है। हो सके तो छठी वाले दिन आप गाय के दूध की व्यवस्था ज़रूर कर लें। गाय का दूध बहुत ज़्यादा विशेष होता है अभिषेक करने के लिए। अगर गाय का दूध नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो जैसा आपके यहाँ पर उपलब्ध हो उस हिसाब से भी जो है ना, आप भगवान का इस तरह से कच्चे दूध से जो है ना, अभिषेक कर सकते हैं। कहा भी जाता है पूजा हमेशा स्थिति और परिस्थिति के अनुसार की जाती है। इस तरह से जो है ना, छठी के दिन भगवान को कच्चे दूध से उनका अभिषेक किया जाता है। मंत्र आप सबको आता होगा, अगर नहीं आता तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना, मैं मंत्र दे दूँगी, उसी मंत्र का जो है ना, आपको जप करना है। और लड्डू गोपाल का अगर आप इस तरह से अभिषेक करते हैं, शंख में ही आपको दूध भरना है। अगर शंख नहीं है तो आप किसी भी स्टील का बर्तन या चांदी के बर्तन में दूध भर कर भी जो है ना, भगवान को इस तरह से अभिषेक करवा सकते हैं। और अभिषेक कराने के बहुत ज़्यादा फल होते हैं। कभी हो सका तो इस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। जय श्री राधे। अभिषेक के दूध को छठी वाले दिन प्रसाद के रूप में अपने सभी परिवार वालों को बांटा जाता है। जो भी आपके यहाँ रिश्तेदार हैं, जो भी है, जिनको भी जो है ना, आप बांटना चाहते हैं बांट सकते हैं इसे प्रसाद के रूप में। कम से कम 1.25 लीटर के दूध से जो है ना, भगवान का अभिषेक किया जाता है। फिर बाद में आपकी जितनी देखिए श्रद्धा है, जितनी आपकी हैसियत है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। जितना दूध उपलब्ध हो जाए उस हिसाब से जो है ना, अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन इसे बांटा प्रसाद के रूप में ही जाता है, और ये पीने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और इसके बाद जो है ना, आपको शुद्ध जल से भगवान को इस तरह से
स्नान करवाना है। और इस तरह से जो है ना स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है छठी वाले दिन भगवान को, क्योंकि इस दिन कहा जाता है कि बच्चे की जन्म के बाद जो है ना छठी पर उसकी शुद्धि की जाती है, इसीलिए जो है ना कच्चे दूध से उनका अभिषेक करके जो है ना उनका शुद्धिकरण करा जाता है। वैसे भगवान को शुद्धिकरण की कोई आवश्यकता नहीं है और ये जो है ना एक परंपरा चली आ रही है, तो इस तरह से जो है ना भगवान का अभिषेक करके जो है ना छठी बनाई जाती है। छठी के दूध को कभी गर्म नहीं किया जाता, तो इस दूध को जो है ना कच्चा ही ग्रहण किया जाता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल का अंग पोषण कर दिया है और ये वाला इत्र जो है ना मैं भगवान को लगाती हूँ, हर बार भूल जाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने में। तो ये देखिए आप लोग ध्यान से देख लेना, ये वाला इत्र है, बहुत अच्छी वाली इसकी खुशबू है। कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है बट मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर किया है। इसको जब मैं सुबह सुबह भगवान के शरीर पर लगाती हूँ ना तो मेरे हाथों में लग जाता है, तो पूरे दिन जो है ना मेरे हाथों में इसकी खुशबू आती है, तो बहुत अच्छा इत्र है। तो बस इससे जो है ना हम भगवान की मालिश करेंगे। इत्र लगाना भगवान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक तो मंदिर में जो है ना बहुत अच्छी खुशबू आती है और छठी वाले दिन जो है ना भगवान के लिए हमें नई पोशाक लेकर आनी चाहिए। अगर नहीं उपलब्ध हो पा रही है तो मन को बिल्कुल छोटा मत करना, जो है जैसा है आप भगवान को बस अर्पित कर दीजिए, भगवान सच में इतने प्रसन्न हो जाते हैं। ये चीज़ मैंने खुद ने नोटिस की है, बस पूजा जो है ना सिर्फ भाव की है, तो बस मन में भाव भगवान के लिए आप अच्छा रखिए, उनके लिए श्रद्धा रखिए, कभी किसी के लिए बुरा मत सोचिए, फिर देखिए भगवान की कृपा आपके ऊपर कैसे बरसती है। इसके बाद बस मैंने उनका श्रृंगार कर दिया है। आज के दिन आप भगवान का श्रृंगार बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर आप भगवान का श्रृंगार करने के शौकीन हैं। मैं बहुत ज़्यादा श्रृंगार नहीं करती हूँ, अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से जो है ना आज के दिन आज भगवान का आप श्रृंगार करें। यहाँ पर जो है ना आज छठी वाले दिन भगवान को काजल लगाने का शगुन होता है। मैंने यहाँ पर घी का दीपक ले लिया है, तो मैं इस तरह से प्रज्वलित कर लूँगी। और काजल जो है हमेशा जो है ना कांसे के बर्तन में ही पारा जाता है, उसको पारना ही बोलते हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि कांसे का बर्तन अति आवश्यक है, छोटा बड़ा जैसा भी आपके पास है उसको जो है ना इस तरह से आप उल्टा करके दीपक के ऊपर लगा दें, थोड़ा जल्दी गर्म हो जाता है, तो ध्यान से पकड़ना, जल मत जाना वरना बोलोगे दीदी आपने बताया नहीं, तो थोड़ा सा ध्यान से पकड़ना है क्योंकि कांसे का बर्तन बहुत जल्दी ताव पकड़ लेता है, तो बहुत जल्दी जो है ना काजल पड़ भी जाता है। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा काजल पड़ गया है, सिर्फ शगुन का लगाना होता है, आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा। तो बस इसी काजल को सबसे पहले आप सीधी आँख में लगाएं भगवान के, उसके बाद टेढ़ी आँख में लगाया जाता है। और भगवान को काजल लगाने के बाद उनके दोनों कानों के पीछे आपको काजल का टीका लगाना है। कहा जाता है कान के पीछे अगर आप काला टीका लगा देते हैं तो कभी किसी को नज़र नहीं लगती, तो बच्चों के भी आप कान के पीछे टीका लगा सकते हैं, ये भी हमारे छोटे नन्हे मुन्ने से बालक हैं, तो इनके कान के पीछे भी हमने टीका लगा दिया है ताकि इनको भी कभी किसी की नज़र ना लगे। इसके बाद हमने पगड़ी लगा दी है, ये पगड़ी पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल ऐसा राजस्थानी वाला जो है ना लुक आ जाता है। इसके बाद जो है ना हम भगवान को यहाँ पर फूलों के आसन पर करेंगे विराजमान। फूलों की माला आप भगवान को पहना दें, माला नहीं है तो फूल चढ़ा दें। और आज के दिन जो है ना भगवान को कटला पहनाया जाता है। कटले का मतलब अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता दूँ, जिसमें आपने छोटे बच्चों के गले में देखा होगा चंदा बना रहता है, सूरज होता है और उसमें एक हाई की पुतैया होती है, उसको पुतैया बोला जाता है यानी पेंडल बोला जाता है। तो आज के दिन जो है ना भगवान को ये पहनाया जाता है, काले धागे में जो है ना ये पिरो हुआ होता है, मतलब लगा हुआ होता है, तो इस तरह से जो है ना आज के दिन पहनाया जाता है। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर तुलसी की मंजरी भगवान को चढ़ा देंगे, जो उन्हें सभी उपहारों से ज़्यादा प्रिय है, तो हमने यहाँ पर भगवान को तुलसी की मंजरी चढ़ा दी है। छठी वाले दिन जो है ना घर में कढ़ी चावल बनाए जाते हैं और इसी का भोग जो है ना लड्डू गोपाल को लगाया जाता है। हमारे लड्डू गोपाल को कढ़ी चावल अति प्रिय है, बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं उनको, जब मैं बनाती हूँ ना तो उनके चेहरे पर एक अलग स्माइल होती है। यहाँ पर मैंने फल चढ़ा दिए हैं, कढ़ी चावल पापड़ और माखन मिश्री का जो
है ना मैं छठी वाले दिन भोग लगाती हूँ, तो इस तरह से आपको भोग लगाना है। सारे भोग में जो है ना आपको तुलसी के पत्ते ज़रूर डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और लड्डू गोपाल की छठी के दिन जो कढ़ी चावल बनते हैं ना उसका स्वाद अलग ही लेवल पर होता है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, वो अलग ही उसका स्वाद होता है। ये समझ लीजिए भगवान का प्रसाद है, तो उसका स्वाद जो है ना दुगना हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो इस तरह से जो है ना आपको भोग लगाना है, यही भोग आज के दिन लगाया जाता है और बहुत सरल पूजा होती है, कोई ज़्यादा मतलब कठिन इसमें कुछ भी नहीं है। थोड़ा दो तीन चीज़ों का बस आपको ध्यान रखना होता है, दूध से अभिषेक कराना होता है, काजल भगवान को ज़रूर लगाना है, इसके बाद जो है ना बस आपको आरती करनी है। आरती आप अपनी कोई भी मनपसंद आरती अपने लड्डू गोपाल के लिए गा सकते हैं, जो भी आप गाना चाहते हैं। बस इसी के साथ वीडियो का यहीं एंड करूंगी, मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और हाँ चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो आप लोगों के लिए मैं समय समय पर लाती रहती हूँ। और हाँ वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।